मैं कौन सीट से पाइथागोरस थ्योरम का मॉडल कैसे बनाया जाए, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने एक थर्मोकोल शीट को बेस के लिए लिया है, इसके बाद हमने उसके ऊपर कलर किया है। हम बेस को येलो कलर से पेंट करेंगे, ये एक्रेलिक कलर हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। ये देखिए हम कितनी स्पीड से इसको कर पाते हैं। इस पे कलर करने के लिए हम बड़े ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं और स्पंज का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ब्रश से यूज़ करते हैं कलर को तो बहुत टाइम लगेगा। आप समय नोट कर सकते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगेगा, जबकि ब्रश से कम 10 मिनट लग जाएंगे और जगह जगह स्पॉट्स बनेंगे। इसमें स्पॉट्स नहीं बनेंगे और कलर एक जैसा होगा। ये हमारा कलर लगभग इस पर हो चुका है। अभी इसको सूखने में थोड़ा 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, तब तक हम पाइथागोरस थ्योरम की कटिंग जो है वो कर सकते हैं। ये मैथ का मॉडल है, ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर दिया है। दूसरे स्टेप में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि थर्मोकोल का जो पाइथागोरस की थ्योरम है वो कैसे कटिंग करनी है। इसके लिए हम दूसरी शीट यूज़ करेंगे, तब तक ये शीट सूखने के लिए हम यहाँ रख देते हैं। हमने ये दूसरी शीट ली है, इसको हम पहले से ही थोड़ा सा कट कर लेते हैं ताकि ये बड़ी शीट जो है आसानी से यहाँ रख कर हम काट सकें। इसके लिए मैं इस शीट को काटने जा रहा हूँ। मैंने फॉर्म को इसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए ये फॉर्म मैंने ड्रॉ की हुई है और मैं इस ब्लेड से इस पर निशान जहाँ लगे हुए हैं इसको काटने जा रहा हूँ। ये बड़ी सेफ इसे काटना है क्योंकि इससे हाथ भी कट सकता है। ये हम नहीं काटेंगे, सिर्फ हम आउटलाइन ही इसकी काटेंगे जहाँ से ये बाहर की बाउंड्रीज है। इसी तरह यहाँ वो इसी तरह यहाँ ये मैंने कट कर लिया है। अब इसको बड़ी सावधानी से निकालना है, इस पर थोड़ा सा दबाव डालते हुए बाहर की तरफ।
हम इसको अलग करेंगे। ये देखिए ये बड़े आराम से निकल आएगा। ये देखिए ये पीस बिल्कुल साफ निकला है इसके किनारे। अब हम इसके ऊपर, ये लगभग सूख चुका है, अब हम इसको वर्टिकल पोजीशन में इसको रखेंगे। ये देखिए ये सबसे छोटे वाला हिस्सा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा वाला हिस्सा है। इसमें यदि हम नाप कर दिखाएं तो ये वाला हिस्सा जो है 16 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, इन दोनों पर ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो, ये जो यहाँ से और यहाँ तक कोण गया है, इस जो आर्म की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब ये हुआ कि 16 सेंटीमीटर का वर्ग ये है, 12 सेंटीमीटर का वर्ग ये है, और इसका हमें पता नहीं था। तो जब ये लाइन खींची गई थी तब इसका पता चला कि हमें ये यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर का बनेगा। तो 20 सेंटीमीटर का ये, 20 सेंटीमीटर की ये भुजा, 20 सेंटीमीटर की ये भुजा, यानी कि ये वर्ग 20-20 सेंटीमीटर की भुजाओं के साथ बना। ये भुजा लगभग 12 सेंटीमीटर, 12-12 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं, और ये 16-16 सेंटीमीटर की चार। ये हमारा जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर वर्किंग में बनाना है तो हम इसके अंदर का हिस्सा थोड़ा सा निकाल देंगे और इसका भी और इसका भी। जैसे ही हम इनको उल्टा पुल्टा करते हैं तो इसका और इसका जो है, इन तीनों का इसके अंदर जितना भी मेटेरियल जाएगा वो पूरा इसके अंदर समा जाएगा और ये हमारी थॉर्म पूरी हो जाएगी। ये वीडियो कटिंग में आपको कैसी लगी, आप इसको ज़रूर बताएं। मॉडल पसंद आया, किस प्रकार का रहा ये ज़रूर बताएं। ये देखिए ये पूरी की पूरी थॉर्म आपके सामने है। ये मॉडल आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मॉडल A to Z प्रोजेक्ट एंड मॉडल द्वारा बनाया गया है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।